हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज का खतरनाक दिन है। आज ही मैंने सुबह सुबह में 2 व्लॉग पूरे एडिट करके रेंडर करके अपलोड कर दिए। अभी अपन निकल रहे हैं अयोध्या के लिए थोड़ा घाई में। जैसे ये अपना रूम था, मैंने भाई रूम टूर ही नहीं दिया ये वाला, इतना बढ़िया रूम था ये। मैं आपको 2 मिनट में क्विकली बता देता हूँ। तो एंटर करते थे साथ अपने को एक बाहर एक खाली बेड मिल रहा था, यहाँ सोफा था, यहाँ वॉशरूम, और ये अपना मेन रूम था। यहाँ पर एक बेड, कुर्सी, टेबल और बाकी ऐसा सब था। डिसेंट सा रूम था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। यहाँ से अयोध्या है 3-4 घंटे का रास्ता सब बैग लेके जाने का अपने को, क्योंकि आगे अपन फिर आगे गोरखपुर जाएंगे और फिर वहाँ से अभी वाराणसी में अपना स्टे नहीं रहेगा। बीच में ऐसा था अपन वाराणसी में रुके थे, मतलब वाराणसी से फिर गया, फिर वाराणसी, फिर ऐसा कर रहे थे अपन। अभी वैसा नहीं रहेगा, अभी अपन अयोध्या, अयोध्या से गोरखपुर और गोरखपुर से आगे। तो अभी जल्दी चलते हैं भाई। बहुत प्यारा स्टे था भाई अपना ये वाले होटल में, बढ़िया होटल था, रूम्स भी डिसेंट वगैरह ही थे, मतलब एकदम लैविश भी नहीं बोल सकते और एकदम ख़राब भी नहीं बोल सकते, ठीक थे, अच्छे थे ऐसा बोल सकते हैं। अवध विहारा करके है होम स्टे, यहाँ रुके थे अच्छे खासे टाइम के लिए। चलते हैं अभी यहाँ से। दस्तक दी है इंद्रदेव जी ने एज एक्सपेक्टेड। इसके आगे ये टेम्पो ट्रैवल लेने जाएगा तो अपने को छोटी गाड़ी में जाना पड़ेगा, और वो गाड़ी अभी आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं अपन। रिक्शा वाले का कार्ड हो गया भाई, हमने जिससे ट्रैवल बुक कराई थी उसने बोला था कि पूरा राम मंदिर तक भी घुमाएगा, लेकिन वो बोला अभी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, किचकिच करने में 10-15 मिनट वाया गाल दिए। 6:40 हो चुके अभी, वैसे रास्ता तो 2.5 किलोमीटर का ही है, लेकिन देखते पहुँच पाते हैं कि नहीं, सब अभी भगवान के जी के ऊपर है। हनुमान दादा की बंदर भाई दिख गए अपने को। जाना है अपने को और अभी बंद होने में ही है भाई, जल्दी चलते हैं। बहुत प्यारे दर्शन हुए भाई राम जी के, जो वो छोटा वाला मंदिर है वो, और पीछे पूरा कंस्ट्रक्शन का भी देखा अपन ने कि कैसे वो पूरा मंदिर बन रहा है। अंदर बहुत सिक्योरिटी टाइट थी, फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं था। जैसे तैसे भाई दर्शन करने मिल गए, बस 2 मिनट बचे हुए थे गेट बंद होने के लिए और हम घुसे कैसे तैसे। ये बैग की चेन निकल गई थी उसके बीच में, तो वो चेन भी मैंने बोला वो काउंटर वाले को आप देख लो, मैं बस दर्शन करके आऊँगा आपके भरोसे। अभी सब मोबाइल वोबाइल सब छोड़ के गया। बहुत प्यारे दर्शन हुए भाई। एंड में गए थे तो ज़्यादा भीड़ कुछ भी नहीं थी, वहाँ मस्त रुके हुए थे हम, 5-10 मिनट रुके हुए थे, बढ़िया से दर्शन किए। अभी आगे के स्पॉट्स पे चलते हैं। ये पीछे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ह्यूज लेवल पे हो रहा है भाई, थोड़ा सा देखने मिल गया अपने को। ये यहाँ पीछे पूरा मंदिर का काम चालू है, अभी एक फ्लोर हो चुका है और बाकी का भी जल्दी बन जाएगा। ये मेन एंट्रेंस है, अभी ये पूरी बन रही है, ये सीधा सामने मंदिर को कनेक्ट होगी। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर आए थे भाई दर्शन करने, आपने जो अभी देखा वो हनुमान जी थे। बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन है भाई ये मंदिर का, कलरफुल एकदम और एकदम पौराणिक है। घाटनी जानकी घाट आया अपन यहाँ पे। इसका नाम श्री राम जी का राजबाड़ा, यहाँ पे रामचंद्र जी जनकपुर जाके शिव धनुष को तोड़ के सीता माता से कल्याणम किया, इसी जगह पे राज तिलक किए थे। इस रोड से आए रोड का नाम शहीद गली है। पहले 6 दिसंबर 1992 में कल्याण सिंह का सरकार था, मुलायम सिंह ने मुस्लिम लोग को वर्दी पहना के इसी रोड पे गोली फायरिंग करवाया, जो इधर में महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक के आदमी रोड पे मर गए एक्सपायर। उनके आत्मा के शांति के लिए 24 घंटा सीताराम सीताराम का स्वामी जी भजन करती। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी को सरयू नदी स्नानम करते हुए 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुए थे, गोल्ड और सिल्वर, राम और सीता।
बड़े महाराज जी यहीं पे ले आके रखे। बगल में सीता माता का सोफा घर है। डेली 1000 साधु महात्मा को, 500 विद्यार्थी को, 200 गौ को रोज डेली भोजन दिया। सामने वो सीता माता का दर्शन है, बीच में अन्नपूर्णा माता का, बगल में रामचंद्र जी का। अभी बस नदी देखना बचा है अपना, उसके बाद अपने अयोध्या के सारे दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो आपको पूरी गली दिख रही है, यही शहीद गली है भाई। इधर ही वो सारे अटैक हुआ था। वो ये चौक का नाम क्या है? अच्छा, यही लता मंगेशकर चौराहा है भाई। हाय हाय, ये सरयू नदी का पूरा पानी आता है यहाँ पे, और घाट ये वाले साइड है। ये आ गई सरयू नदी। अभी रात्रि के कारण यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरी नदी है यहाँ पे। तो ये वाला घाट जो है अभी जिस पे अपन खड़े हैं, ये राम घाट है पूरा। सरयू नदी के दर्शन कर लेते हैं। थोड़े से बंदर है, उनको थोड़ा चने खिलाते हैं अपन। भाई एक अपने सामने ले भाई, चने खाएगा। थोड़ा दूर से दिया अपन ने, माफ़ करना भाई, इंसल्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अटैक कर देगा तो विषय हो जाएगा। कितने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बंदर है भाई यहाँ पे। कुछ साल पहले मैं आगरा, मथुरा, वृंदावन वहाँ की ट्रिप किया था। वहाँ के बंदर बहुत बड़े और बहुत शैतान थे भाई। फ़ोन लेके चले जाते थे वो, जो दिखा वो, गॉगल, चश्मा सब। यहाँ के थोड़े प्यारे लग रहे हैं अभी तक तो भी। ये था भैया अपना अयोध्या का सफ़र। अयोध्या में जितना था उतना कवर कर लिया, जितना दिखा सकते थे उतना दिखा लिया। अभी अपन चल रहे हैं गोरखपुर के लिए। अभी 9:15 हो गए हैं, गोरखपुर पहुँचेंगे। वहाँ देखते हैं रहने खाने पीने का क्या है। आज का अटेंडेंस कोड है day 6, यहाँ आ रहा होगा नीचे, तो वो ज़रूर उसे लिख लेना कमेंट्स में। बाकी वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में।